हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पार्टिकुलरली जो एडमिशंस के टाइम पे बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स मैं लेकर जाऊं नहीं जाऊं, और क्या क्या चीज़ वहां पे होगी, किस तरीके से आखिर आपका ऑफलाइन जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो आपको किस तरीके से क्या क्या चीज़ आपको लेकर जानी है। मुझे तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, बट इस चीज़ को बहुत ही प्रॉपर फॉर्मेट में आपको लेकर जाना होगा। इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, ताकि आपको कुछ भी चीज मिस ना हो सके और आप इस चीज में अच्छा कर सको, और ताकि आपका एडमिशन हो चुका है और वहां पर जाकर आपको रियलाइज हो कि नहीं या मेरा एडमिशन कैंसिल हो गया किसी पार्टिकुलर वजह से, तो वो चीज ऐसा बिल्कुल भी ना हो। तो आपको क्या करना है, तो आपको मार्कशीट लेके जानी है, ठीक है। तो आपने जैसे कि अभी आप जैसे पास किए हो, तो आपको क्या करना होगा, उसमें चार आपको फोटोज लगेंगे, ठीक है। तो फोर सेल्फ अटेस्टेड फोटोज कॉपीज, मतलब क्या है कि उस पर आपकी साइन होगी। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब यही है कि आपकी इस पे साइन होगी, तो आपको साइन किया हुआ, ठीक है, वो आपको लेकर जाना है। अगर आप नहीं भी करके लेके जाते हो तो आपको मार्कशीट आपको लेकर के जानी है, वहां पे आप उसको साइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये चीज आप अपने जहां भी इंस्टीट्यूट में भी आप पढ़ रहे हो, जहां से भी आपने 12th पास किया है, 10th पास किया है, जो भी चीज आपने पास की है वो चीज आपको लेना है, ठीक है। ये पार्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ एमयू एडमिशन से रिलेटेड, कि एमयू एडमिशन में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था, ठीक है। अगर बाय चांस अभी आपके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी नहीं है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको एक अंडरटेकिंग आपको लेनी है, ठीक है, एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, और आपको सबमिट करना है बाय द नोटिफाइड डेट। मतलब कि आपके पास एक टाइम पीरियड रहेगा कि आप इतने डेट तक आप इसको सबमिट आपको करना होगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, 10th की आपको मार्कशीट लेके जानी है। इसलिए लेके जानी है क्योंकि उससे आपके डेट ऑफ बर्थ को मिलाया जाएगा पार्टिकुलरली। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि 10th की आपको ओरिजिनल मार्कशीट लेके जानी है, और आपको उसका फोटो कॉपी आपको करवा के रख लेना है। साथ ही साथ आपको 5 फोटोग्राफ चाहिए, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, जिसका क्या होना चाहिए, फ्रंट फेसिंग कलर फोटोग्राफ इन व्हाइट बैकग्राउंड। बैकग्राउंड आपका क्या होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप किसी पार्टिकुलर स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, चाहे आप डीएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, तो आपको उसका पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा, जिसके थ्रू आप उसको क्लेम कर सकते हो कि हाँ मैं स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग कर रहा हूँ, अब मुझे उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग मुझे एडमिशन दीजिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ द स्पेशल कैटेगरी, तो आपको इस तरीके से आपको लेके जाना। उसके साथ साथ लीव सैंक्शन, रिलीविंग ऑर्डर फ्रॉम द एम्प्लॉयर फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इफ एम्प्लॉयड, अगर वो एम्प्लॉयड है तो ये पे काम का नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ नेम रिमूवल सर्टिफिकेट फ्रॉम द रोल्स ऑफ कंसर्न फैकल्टी, कॉलेज और यूनिट, ठीक है। अगर आप किसी पार्टिकुलर फुल टाइम कोर्स में अगर आप कहीं भी आपने एडमिशन ले लिया है, ठीक है, तो आपको वहां से इस चीज को हटवाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप किसी भी फुल टाइम कोर्स में, ठीक है, अगर आप चाहे एमयू में ही हो, तो आपको नेम रिमूवल फ्रॉम द रोल्स ऑफ द कंसर्न फैकल्टी, आपको उस फैकल्टी या उस कॉलेज से आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपको क्या करना होता है, कुछ एक्स्ट्रा चीज, जैसे कि 11 11 रुपए के, वैसे बेसिकली 2 सेल्फ अटेस्टेड एम्प्लॉयज बेयरिंग स्टाम्प वर्थ ₹22, मतलब कि 22 22 रुपए ईच, यानी कि टोटल ₹44 के आपके स्टाम्प आएगा, ठीक है। अगर आप ₹22 का आपको नहीं मिलता है, तो वो आपका ₹5 5 यानी कि टोटल 10 10 या 9 आपको स्टाम्प आपको लेकर जाना होगा, ठीक है। ये कहाँ सबमिट होगा, तो ये आपका इन द ऑफिस ऑफ द प्रोवोस्ट ऑफ द हॉल्स ऑफ रेसिडेंस। मतलब क्या है, ये किस टाइम पे सबमिट किया जाएगा, तो जिस वक्त आप हॉस्टल के लिए जाओगे। मतलब क्या है, आपको हॉस्टल में जब आप जाते हो एडमिशन के लिए, और वहां पे आपको एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि आपको वहां पे हॉस्टल के फॉर्म को भरना है। आपको लिंक दे दिया जाएगा आई बटन पे, आप आई बटन पे जाकर चेक कर सकते हो कि आपको हॉस्टल में किस तरीके से सारी चीजें करनी है, और किस तरीके से आपको जल्द से जल्द आपको हॉस्टल मिल पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो वो चीज, तो इसमें आपको ₹22 का 2 स्टाम्प आपको लेके जाना है। उसके साथ साथ टू अंडरटेकिंग ऑन अ प्लेन पेपर, ठीक है, दो अंडरटेकिंग होगा, वन ऑन द बिहाफ एंड द अदर ऑन द बिहाफ ऑफ योर पेरेंट्स या गार्जियन रिगार्डिंग नॉट इंटेलिजेंट द रैगिंग। जैसे रैगिंग सर्टिफिकेट जहाँ पे हमें नीड होती है, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा कि एक पे आपका साइन होगा, एक पे गार्जियन का साइन होगा, और उसमें ये चीज होगी कि हाँ आप किसी भी तरह के रैगिंग और इन सब में आप इन्वॉल्व नहीं होगे। अगर आप इन्वॉल्व होते हो तो आपके एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ कोरोना का सर्टिफिकेट लास्ट ईयर से मांगा जा रहा है कि आप वैक्सीन आपने ले रखी है या नहीं ले रखी है। अगर आपने नहीं ले रखी है तो आपके लिए थोड़ा सा इशू क्रिएट हो सकता है, बट अगर आपने
से आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो आपको वो सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। लेटेस्ट सर्टिफिकेशन ऑफ द वैक्सीनेशन फॉर द टाइफॉइड कोलरा एंड हेपेटाइटिस बी, ठीक है। और ये किस चीज के लिए है? बेसिकली फॉर बीएससी नर्सिंग, बट हाँ आपको जो कोरोना का सर्टिफिकेट है वो आपको सभी के लिए जरूरत पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ साथ द डिटेल ऑफ द फी चार्ज एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो आपको बताया जा चुका है कि कितना फीस है और ये सारी चीजें हैं। एडमिटेड स्टूडेंट अलॉटेड अ हॉल ऑफ रेसिडेंस, उनको हॉल दिया जाएगा, ये कौन से हॉल उनको दिया जाएगा। हैव टू एडिशनली पे 3 month ऑफ डाइनिंग एट द टाइम ऑफ रूम अलॉटमेंट, रूम अलॉटमेंट के वक्त में उनको 3 महीने की डाइनिंग फी पे करनी होगी जो कि अराउंड 1200 रुपीज होती है। ये भी आप आई बटन पे जाके देख सकते हो कि हॉस्टल की डाइनिंग क्या है नहीं है, उस बारे में हमने डिस्कस कर रखा है पहले ही वीडियो में। उसके साथ साथ कैंडिडेट्स बीइंग एडमिटेड टू द बीएससी नर्सिंग कोर्स, अगर बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिट है तो उनको क्या करना होगा? बॉन्ड पेपर साइन करवाना होगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, किसी भी तरीके से आपको हेल्पफुल लग रही है, तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बन गया।